और उत्तराखंड सरकार को कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने जा रहा है। 3 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के मंत्री और अधिकारियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार घट रहे कृषि क्षेत्र को फिर से उपजाऊ बनाकर पैदावार बढ़ाई गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार को ये पुरस्कार हासिल हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक और पुरस्कार हासिल होने जा रहा है। मेरे साथ इस समय खुद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिल रहा है, क्यों ये पुरस्कार मिल रहा है? देखिए, ये हम लोगों को उत्पादन बढ़ाने पर, आपने देखा कि राज्य बनने के बाद इस राज्य में 15% एग्रीकल्चर लैंड में कमी आई है। उसके बावजूद विगत वर्ष हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो उत्पादन हुआ वो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, तो यही कारण था कि विगत वर्ष भी हम लोगों को मोस्ट इंस्पायर्ड स्टेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार कृषि कर्मणा पुरस्कार मिला था, और इस बार वो 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार हम लोगों को पूरे देश में प्रथम आने में मिला है। इसके अलावा लगातार दोनों वर्ष हम लोग देश के बेस्ट ऑर्गेनिक राज्य के रूप में दोनों बार हमको अवार्ड मिला, और दोनों वर्ष ई नेम में जो मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर को ई ट्रेडिंग का, उसमें भी विगत दोनों वर्षों में हम देश में सर्वश्रेष्ठ रहे। तो सरकार का हमारा प्रयास है कि कृषि के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर पलायन को रोककर लोगों को स्वावलंबी बनाकर और किसान की आय को दोगुने करने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। और हमने तकरीबन आपने देखा कि 2 वर्षों में 70 से ज़्यादा निर्णय खेत, किसान और कृषि दोनों के हित में लिए, जिसके नतीजा मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि किन क्षेत्रों में या कौन सी चीज़ों में उत्पादन बढ़ाया और कौन से क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया, अगर ये बता पाएं। देखिए, ओवरऑल किसी एक जनपद का नहीं है, ओवरऑल हम लोगों ने उत्पादकता बढ़ाई है, और जिस कारण उत्पादन बढ़ा, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह हमने जब हमारी सरकार बनी थी तो राज्य में मुश्किल से जो फार्म्स मशीनरी बैंक हैं वो 2-4 रहे होंगे। आज हम 850 समूहों को फार्म्स मशीनरी बैंक वितरित कर चुके, 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र देना, ताकि किसान को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको लाभ मिल सके। इसके साथ साथ समय पर यूरिया का बीज का वितरण करना, हम लोगों ने ये इसको इंश्योर किया कि किसान को समय रहते सब चीज़ समय से पहले मिल जानी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि हमने करीबन इस 2 लाख एकड़ ज़मीन पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं इस समय, जिसमें तकरीबन 3,900 समूहों के माध्यम से, जिन समूहों को हम हर समूह को 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आपने देखा कि पहली बार हम लोगों ने इस बार, जिस राज्य में 24,000 बॉक्सेस बढ़ते थे किसानों को, हमारा उत्पादन हिमाचल की पीटियों में जाता था, उस राज्य में इस बार हमने 1,83,000 बॉक्सेस किसानों तक पहुँचाया, और अगले वर्ष 2,50,000 बॉक्सेस किसानों को पहुँचाने का हमारा जो टारगेट है। और तमाम, चाहे नर्सरी एक्ट ला करके सरकारी नर्सरियों को भी उसके अधीन लाना, चाहे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाना, चाहे किसान के उत्पाद का उसको उचित मूल्य मिले, इसके लिए एक जो एक मंडी एक्ट में हमने संशोधन किया और मंडी में एक रिवॉल्विंग फंड बनाया, जिसके माध्यम से हमने तय किया कि मंडी तमाम उत्पाद को खरीदेगी और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी मार्केटिंग करेगी, और जो लाभ होगा वो भी किसानों को बांट दिया जाएगा। ठीक उसी तरह का निर्णय हमने हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी लिया कि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भी जो बागवानी उत्पाद है उसको खरीदेगा और उसकी मार्केटिंग करेगा, ताकि किसान का शोषण रोक करके बिचौलिए की भूमिका को सीमित कर सके। तो उद्देश्य मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर के जो मोदी जी का एक संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना, उसको लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस वर्ष इस राज्य में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रारंभ करने की बात की गई है, निश्चित निस्संदेह मोदी जी का किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, इन सब को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो राज्य में किसान की आर्थिकी मजबूत होगी, तो जिससे राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो खेती किसानी लोग एक समय आ गया था जब छोड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है लगातार पुरस्कार उत्तराखंड सरकार हासिल कर रही है, उम्मीद है आने वाले समय में भी खेती और किसानी से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, देहरादून।